नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार के द्वारा जमीनों पर अवैध तरीके से हो रहे अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन ने सभी जिलों में एक टास्क फोर्स बनाया जो कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाया गया है, जिसके चलते प्रदेश के किसी भी हिस्से में अवैध तरीके से अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। देहरादून, नैनीताल, रुद्रपुर सहित कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में भी अगर कहीं पर भी कोई अतिक्रमण होता है तो उस पर भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हर जिले में टास्क फोर्स बनाई गई है और वो डीएम की अध्यक्षता में है। उसमें एसएसपी हैं, उसमें वन विभाग वाले हैं, उसमें सिंचाई विभाग वाले हैं, नगर निगम वाले हैं, पीडब्ल्यूडी वाले, जिन जिन विभागों की सरकारी जमीनें हैं, जिन पे कब्जा कहीं परिलक्षित हुआ है, ठीक है, तो वो सारी ज्वाइंटली टास्क फोर्स बनी है हर जिले में, माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन में बनी है। और उसमें ये निर्देश ये दे गए हैं कि इस काम को जीरो टॉलरेंस के साथ करना, जो भी लोग सरकारी जमीनों को कब्जा करके बैठे हैं उन पे कठोरतम कार्रवाई करनी है। देहरादून में होगा श्री अन्न महोत्सव का आयोजन। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, कृषि के क्षेत्र में क्षेत्रफल थोड़ा घटा जरूर है लेकिन उत्पाद हमारा बड़ा है। ऑर्गेनिक खेती के लिए हमारे प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 5 किलो फ्री राशन में 1 किलो मंडवा भी हम देंगे। इस प्रक्रिया से सरकार ज्यादा मंडवा खरीदेगी जिससे किसान को लाभ मिलेगा, क्योंकि मिलेट के फायदे बहुत है। श्री अन्न स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। वो अपना रोजगार कर रहे हैं, लोगों कई लोगों को रोजगार देने का काम भी कर रही है। ऐसे लोगों को हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है। मैंने जैसा कि कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम मिलेट्स के उत्पाद को हम दुगना करेंगे। और आज जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने यह आती है, आप लोग भी पहाड़ के रहने वाले हैं, मैं भी पहाड़ का रहने वाला हूं, कि हमारे पहाड़ों की जो खेती होती है, एक खेत हमारा कहीं होता है, दूसरे खेत कहीं होता है, और जिसकी वजह से यहां का रुझान लोगों का खेती के प्रति कम हुआ है। हरीश रावत के राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहने के कई मायने निकाले जा रहे। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में वह हरिद्वार सीट से लड़ने के इच्छुक हैं, लेकिन हरक सिंह रावत के साथ उनकी जुबानी जंग शुरू हो गई। वहीं हरीश रावत ने यह भी कहा है कि जब तक वह सत्ता में कांग्रेस की वापसी नहीं करा देते वह तब तक संन्यास नहीं लेंगे। इस पर बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने व्यंग करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और कहा है कि हरीश रावत ने तो अचूक वाण मतलब हरीश रावत जी बहुत दूरदृष्ट आदमी है और उनको जो राजनीति से संन्यास लेने के सलाह लोग दे रहे हैं या बार बार मांग कर रहे हैं, उन्होंने तो अचूक बांध चला दिया। उनको पता है कि कांग्रेस कभी सत्ता में आएगी नहीं और मैं संन्यास लूंगा नहीं, तो इसलिए हरीश रावत जी ने अचूक बांध छोड़ा है। वो संन्यास लेना नहीं चाहते और वो मुझे लगता है कि जब तक जो है जान में जान है वो इसी प्रकार कांग्रेस में घमासान और राग जो है करते रहेंगे। हाँ, इस प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया, कांग्रेस को नकार दिया, तो इसलिए अब हरीश रावत जी तो राजनीति से संन्यास लेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने शर्त ऐसी रख दी। उनको पता है ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना भाजपा जो है कभी प्रदेश से विदा होगी, ना कांग्रेस आएगी और ना ही हरीश रावत संन्यास लेगा। स्मार्ट सिटी देहरादून को केंद्र ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस परियोजना के बजट में कटौती करते हुए बजट को आधा कर दिया। 1000 करोड़ की परियोजना का बजट घटकर अब 550 करोड़ रुपए हो गया है। बजट कटौती के बाद स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं जिलाधिकारी देहरादून और सीईओ स्मार्ट सिटी डॉक्टर सोनिका ने कहा है कि बजट कटौती का स्मार्ट सिटी के कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्मार्ट सिटी के सभी कार्य अंतिम चरण में है, सभी प्रोजेक्ट पहले से स्वीकृत हैं, इसलिए बजट कटौती का कोई असर स्मार्ट सिटी के कार्यों पर असर नहीं पड़ेगा। जो
ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी का है वो पहले से ही चल रहा है और सारे प्रोजेक्ट जो है प्री अप्रूव्ड है, तो ये तो एक मतलब ये फाइनल स्टेज के प्रोजेक्ट की स्टेज है, तो एज सच प्रोजेक्ट की प्रगति में या फंडिंग में कोई ऐसे इशू नहीं। ठीक हो गया, 50-50। अब भारत सरकार कह रही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने सनातन परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हरिद्वार के सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल पहुंचकर द केरला स्टोरी दिखाई। साथ ही अध्यक्ष ने सभी देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि द केरला स्टोरी जरूर देखें। फिल्म में इस तथ्य को भी प्रदर्शित किया गया है कि इस तरह से बालिकाओं का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। साथ ही अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अपील की है कि द केरला स्टोरी को राज्य में टैक्स फ्री किया जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविन्द्र पुरी का कहना है कि मूवी में लव जिहाद दर्शाया गया जिसको देखने के लिए भारी संख्या में सनातन धर्म के लोग फिल्म देखने पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद को खत्म करना बहुत जरूरी है। हिन्दू धर्म को बेटियों को बहला फुसलाकर उनसे शादी की जाती है, इसलिए आम भारी संख्या में हरिद्वार की जनता के साथ द केरला स्टोरी देखने पहुंचे। देखिए हमारे साथ साधु संत है और पूरी हरिद्वार की जनता है, जितने हमारे हिंदू भाई है, सनातनी भाई है, सभी हम यहाँ फिल्म देखने आए हैं। हमने ये सुना है कि इस फिल्म में जो है जो लव जिहाद है उसको दिखाया गया है कि लव जिहाद क्या है। मैंने पहले भी ये कहा था जैसे लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, अगर ये लैंड जिहाद समाप्त हो जाएगा तो लव जिहाद भी समाप्त हो जाएगा। तो हमें यही देखना है कि लव जिहाद में कैसे कैसे जो हमारी हिंदू बहन बेटी हैं उनको बहकाया जाता है, बहका करके उनसे शादी होती है, वही देखने आज हम आए हैं। लक्सर के अलावलपुर क्षेत्र में साकुन के लगभग 50 से 60 पेड़ों को काटकर वन विभाग को लाखों का चूना लगाया गया। वन विभाग रेंजर दिनेश प्रसाद नोटियाल ने बताया कि सुबह अज्ञात व्यक्ति ने जानकारी दी कि अलावलपुर क्षेत्र में पॉपुलर लिप्टिस के सोमस के पेड़ों के साथ साथ साकुन के पेड़ भी काट रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना पर तत्काल वन विभाग को मौके पर भेजा गया। दिनेश प्रसाद नोटियाल ने बताया कि वन विभाग द्वारा किसी को भी ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई है। रेंजर ने बताया अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। देवेंद्र निवासी मीरकपुर में लगभग 2 बजे के करीब लखनौता चौकी क्षेत्र के गोकुलपुर गांव में एक मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के लिए अपने एक साथी के साथ बाइक से जा रहा था। जैसे ही वो मेडिकल पर दवाई लेने के लिए रोड से घूमा तभी पीछे से अज्ञात 2 बाइक सवारों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें निर्गनपुर निवासी देवेंद्र और उसका साथी बाल बच गए। गोली चलने की आवाज पर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और किसी ने इसकी सूचना लखनौता चौकी को दे दी है। सूचना मिलते ही जबरेडा पुलिस अध्यक्ष और लखनौता चौकी इंचार्ज तुरंत मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। घटनास्थल वाले मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस द्वारा खंगाली जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार पर हमलावर फायरिंग करके लखनौता चौकी की ओर तेज से जाते हुए दिखाई दिए। फिलहाल पीड़ित द्वारा सुधांशु पाल पुत्र ऋषि निवासी मुंडलाना थाना मंगलोर उत्तराखंड और धनु पुत्र रामपाल निवासी झाबरपुर थाना पुरकाजी उत्तर प्रदेश के नाम नामजद तहरीर दे दी गई है। उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों की मर्यादा और पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनी रहे इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत एक विशेष अभियान चलाया है। इस विशेष अभियान के तहत तीर्थ स्थलों और गंगा के किनारों पर हृदंग और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही पर्यटक स्थलों पर गंदगी करने वालों के सामने जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। मतलब हो कि अभी तक ऑपरेशन मर्यादा के तहत 7 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही अभियान के तहत 2000 से ज्यादा व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है जिनसे लाखों रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए पुलिस की छवि खराब करने वालों के विरुद्ध भी पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने 2 इशू उठा दिए। एक है हमारा ऑपरेशन मर्यादा हमने बार बार अनुरोध किया, पिछले वर्ष भी चलाया था, इस वर्ष भी 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर चुके कि जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं धर्मस्थलों पर तो वो कृपया करके उसकी तीर्थ की मर्यादा का ख्याल रखें। हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, बद्री केदार हो,
सब जगह तीर्थ की अपनी मर्यादा होती है, उसका पालन बहुत जरूरी है। तो कोई भी आदमी अगर वहां की मर्यादा भंग करता है तो उसके विरुद्ध हम ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। चंपावत जनपद के लोहाघाट थाना क्षेत्र के पोखरी कस्बे में लोहाघाट पुलिस के कांस्टेबल मतनाथ और क्षेत्र के कुछ लोगों के बीच सड़क में जोरदार मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो यहां पर खड़े लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वहीं इस मामले में वीडियो में दिख रहे कांस्टेबल मतनाथ का कहना है कि वो समन तासमील कराने के लिए धुनाघाट जा रहे थे। वहीं पोखरी के पास सड़क किनारे तीन लोग शराब पी रहे थे। पुलिसकर्मी ने आरोप लगाया कि शराबियों ने उनके साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज और मारपीट की और उनकी वर्दी तक फाड़ दी। पुलिसकर्मी का कहना है कि मारपीट में उन्हें चोट लगी और अपने बचाव में उन्हें भी मारपीट करनी पड़ी, जिसके आरोपियों ने वीडियो बना ली। वहीं वीडियो बना रहे लोगों ने पुलिसकर्मी पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। किसान संबंध थाने में गया था, मैं पोखरी के पास पहुंचा तो ये लोग वहां पर होटल पे दारू पी, ठीक है, मैं आगे जा रहा था, इनके द्वारा रोका गया मुझे, ठीक है, मुझे बुलाया गया दुकान पे। उसके बाद इन्होंने मुझे धमकी देने लगे, मैं तू इधर नहीं आएगा। ये थे एक अशोक है, ये प्यार सुखा, इसके द्वारा फिर मुझे गाली गलौज और मेरी वर्दी फाड़ना और मुझे सा हाथापाई करी। जब उसके बाद जब मैंने अपने बचाव में इनको मारना मैंने बचाव में मारा, फिर इनके द्वारा वीडियो बनाई गई कि हम तुम्हें बताएंगे कि भाई ये हमें मार रहा है और ये हमसे पैसा वसूल रहा है। उत्तराखंड में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम धामी पहुंचे थे। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। भारत माता की, भारत माता की। श्री अन्न महोत्सव एक शानदार कार्यक्रम, अभी हम सब लोगों ने जिनको सुना, उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में कृषि मंत्री और इससे पहले अनेकों विभागों के मंत्री के नाते जिन्होंने लगातार संयुक्त रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का उस समय से लगातार सेवा कर रहे हैं, लगातार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और आज हमारे अतिथि के रूप में हम सबके बीच में आकर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम सबको ऊर्जा और प्रोत्साहन दोनों ही एक साथ देने का काम जिन्होंने किया है। हमारे अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप साहू जी, हमारे उत्तराखंड के कृषि मंत्री और जिनके संयोजन में ये उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव का आयोजन होगा और इसके साथ साथ अनेकों कार्यक्रम इस वर्ष इस अन्न महोत्सव के और श्री अन्न के अनेकों कार्यक्रमों को जिन्होंने आयोजित किया है। उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी मंच पर उपस्थित, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सरिता कपूर जी, डोईवाला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई ब्रजभूषण गरोड़ा जी, कपूर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश गड़िया जी एवं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, किसान आयोग के अध्यक्ष श्री राकेश राजपूत जी, अध्यक्ष किसान मोर्चा उत्तराखंड श्री जोगेंद्र सिंह कुंडीर जी, कृषि सचिव श्री बीवीआर पुरुषोत्तम जी, कृषि के डायरेक्टर श्री गौरीशंकर जी, हमारे सामने आए हुए हमारे अतिथिगण पद्मश्री श्री शर्मा जी, रजनीकांत जी इस मंडल के अध्यक्ष, बहन ज्योति जी, महामंत्री शैलेन्द्र राणा जी एवं इस कार्यक्रम में पधारे हमारे वैज्ञानिक हैदराबाद के श्री राव जी एवं अनेकों संस्थाओं से
इस कृषि के अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाले आए हुए सभी हमारे वैज्ञानिकगण और आज जिनके निमित्त ये शानदार अन्न महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ऐसे मेरे सभी किसान भाइयों एवं बहनों एवं उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो ये श्री अन्न महोत्सव के इस भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम में आप सबका, एक विशाल संख्या में आप सब यहां पधारे हैं, मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपका यह आयोजन निश्चित रूप से हमारे श्री अन्न को, जिसको हम अभी तक मोटे अनाज के रूप में प्रचार प्रसार में जानते थे, ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, इस तरह के आयोजन से न केवल मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे हमारे किसानों को भी मोटे अनाजों से संबंधित अनेकों अनेक जानकारियां अलग अलग रूप में हमारे जो तमाम अतिथिगण आएंगे, हमारे वैज्ञानिकगण आएंगे, उनके माध्यम से हमको प्राप्त हो सकेंगी। इस यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर आज हमारा देश वर्ष 2023 को मिलेज वर्ष के रूप में मना रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और दूरदर्शिता के कारण ही आज समस्त विश्व की, समस्त देश इन जो हमारी परंपरागत रूप से जिसके लिए हमारी खेती भी उपयुक्त होती थी, कम पानी की आवश्यकता पड़ती थी, कम साधनों की और कम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी और उसमें श्री अन्न उत्पन्न होता था, इसके महत्व को समझ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रस्ताव और गंभीर प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेज वर्ष के रूप में घोषित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री अन्न महोत्सव रूपी मंथन से जो यहां पर लगातार 13 तारीख से 16 तारीख तक अनेकों वैज्ञानिकों के, अनेकों जो हमारे जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान किया है, शोध किया है, लगातार काम किया है, उन सब के माध्यम से ये जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेज वर्ष है उसके जो उद्देश्य हैं उसको सफल बनाने में ये अन्न महोत्सव कारगर साबित होगा। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक ही सीमित नहीं है। जो लोग भारत की परंपराओं से परिचित हैं वो जानते हैं कि हमारे यहाँ किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं होता। श्री का अर्थ होता है जहां से श्री आती है वहां से समृद्धि आती है और समग्रता होती है, और जहां समग्रता होती है वहां हर क्षेत्र में सफलता होती है, हर क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त होती है। श्री अन्न निश्चित रूप से ये हमारे भारत का समग्र विकास का जो माध्यम है वो बन रहा है। इससे गांव भी जुड़ा है और गरीब भी जुड़े हैं और देश का प्रत्येक नागरिक भी इससे जुड़ रहा है। निश्चित रूप से जो श्री अन्न है, श्री अन्न जहां पौष्टिकता का पर्याय है, जो लोग आज तमाम प्रकार के जो शाकाहारी लोग हैं, जो बहुत प्रकार का प्रोटीन मांसाहार के कारण से लोगों को मिलता है वो श्री अन्न में स्वतः ही होता है। उसी प्रकार से श्री अन्न, जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वालों में आदरणीय दिनेश जोशी जी ने भी और आदरणीय साई जी ने भी बहुत विस्तार से उसके बारे में बताया कि श्री अन्न के उपयोग से जो तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं वो बीमारियां भी हमसे दूर रहती हैं। और मैं तो ऐसा सोचता हूं कि बचपन में हमने ये मड़वे की रोटी ही खाई थी, क्योंकि एक समय ऐसा होता था
कि ये गरीबों का भोजन माना जाता था और गरीब लोग ही इसको खाते थे। और गांव में मैंने देखा कि जहां अत्यधिक जो गरीबी में जीवन यापन करते थे उनके यहां पूरे एक भदेले में जिसको एक बड़ा पतीला बोलते हैं उस पतीले में केवल और केवल जो मड़ुए का जो खाड़ू है वो खाड़ू बनाया जाता था और लोग उस खाड़ू का उपयोग करते थे। मैंने स्वयं खाया, मैंने देखा है। लेकिन धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी और सारा जो चीज है वो पहले की तरह बदलता चला गया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हमारी चलने वाली परंपरा जिसमें हमको पौष्टिक अनाज भी मिल रहा है, पौष्टिकता भी मिल रही है, स्वादिष्ट भी हो रहा है, इसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो रहा है और कहीं ना कहीं मजबूती देने वाला भी है, पर्यावरण को भी ठीक रखने वाला है, ऐसे श्री अन्न को आज पूरे विश्व के अंदर मान्यता दिलाने का काम किया है। श्री अन्न अर्थात देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार है। श्री अन्न देश के जो हमारे समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोग हैं उनके समाज का भी सत्कार है। श्री अन्न अर्थात कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार है। श्री अन्न अर्थात केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार है। श्री अन्न अर्थात जो आज क्लाइमेट चेंज की जो अनेकों चुनौतियां हमारे सामने हैं, जो आज हमारे सामने एक चैलेंज है, उस चैलेंज से निपटने में भी श्री अन्न मददगार है और स्वास्थ्य सुधार में भी कहीं न कहीं हमारा साथी है, सहयोगी है। इसलिए भाइयों बहनों, आज की ये भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त है। श्री अन्न फसलों में जहां पौष्टिक तत्वों के साथ साथ इसमें औषधि गुण भी पाए जाते हैं, आज डॉक्टर भी मोटापा और जो मधुमेह जैसी अनेकों बीमारियां हैं उनको भगाने के लिए हमको श्री अन्न सजेस्ट करते हैं, हमको सलाह देते हैं कि हम श्री अन्न को अपनाएं। आप सभी जानते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कितने ठीक और स्वस्थ रहते थे, उनके स्वस्थ रहने का अगर कोई राज था तो यही श्री अन्न जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं। आज हमें इस प्राचीन भारतीय जो प्राकृतिक धरोहर है इसको अपनाकर अपने भोजन में इस श्री अन्न को और इस मोटे अनाज को शामिल करना होगा ताकि जो अनेकों अनेक बीमारियां जो हमको आज घेर रही हैं उनसे निपटने का और उनको दूर भगाने का अगर कोई रास्ता है तो एक जल्द। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं सर देते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।